अंजलि वजीर और मैं हूँ हिमाचल से। आपको मैं अपने इस ब्लॉग में दिखाने जा रही हूँ किन्नौरी मैरिज, किन्नौरी कल्चर, बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको। और ये जो शादी है वो मेरे ही घर की है, मेरी कज़न की शादी है। तो चलिए मेरे साथ इंजॉय करते हैं किन्नौरी वेडिंग, किन्नौरी कल्चर। चलिए ये 4 से 5 घंटे आगे लगेंगे हमें और सफ़र अभी बाकी है। अभी हम रामपुर बुशहर के बस स्टैंड पे खड़े हैं। तो
गाइस फाइनली रीच्ड होम और बाहर काफ़ी अंधेरा है तो मैं आप लोगों को अभी दिखा नहीं पाऊंगी कि हमारा गांव कैसा है। तो मॉर्निंग में मिलते हैं, मॉर्निंग में अच्छे से आपको मैं अपने गांव का दर्शन कराऊंगी और तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए आपको मैं अपने गाँव के दर्शन कराने चलती हूँ, चलिए मेरे साथ। गाइस मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमारे गाँव का एंट्रेंस किस तरीके से होता है। गाइस आप लोगों को किन्नौर में हर गांव में कुछ इस तरीके का एंट्रेंस देखने को मिलेगा। गाइस ये हमारे गांव का बुद्ध मंदिर है। और ये जो दिख रहा है आप लोगों को ये हमारे गांव का मेन मंदिर है। जो हमारे गांव के देवता जी हैं वो इस वक्त यहाँ नहीं है, दूसरे गांव में है, तो ये उन्हीं का ही मंदिर है। गाइज तो ये है मेरा घर और मेरे घर का एंट्रेंस कुछ इस तरीके से है। आप लोग सोच रहे होंगे कि एंट्रेंस पे क्या बनाया हुआ है, तो वैसे समझ ही गए होंगे जो कि बुरी नज़र, जो बुरी रूहें होती है उनके लिए बनाया गया है। ये हमारे बुद्ध धर्म में होता है और हम ऐसी मान्यता है ये बनाने से वो अंदर नहीं आती, मतलब कुछ इस करके तो ये बनाया गया है। और अभी घर को सजाया जा रहा है। ये मेन एंट्रेंस होता है, यहाँ से अंदर जाते हैं, मतलब कोई भी जाए। और ये घर को अभी सजाया जा रहा है, सारा घर मैसी पड़ा हुआ है, एक्चुअली शादी वाला घर है। तो ये है मेरा ब्यूटीफुल सा हाउस। गाइज अभी शादी की तैयारियां चल रही है और सजावटें चल रही है, तो सारा घर मैसी पड़ा हुआ है, सब जगह काम चल रहा है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। कल रात बारिश हो गई थी तो इस वजह से सारा कीचड़ कीचड़ हो रखा है यहाँ पे। तो बस क्या बताऊँ मैं, इतना कुछ। देखिए सब कुछ मैसी मैसी सा ही है, अभी सज ही रहा है। गाइस मेरे मम्मी से मिलो। मम्मी हाय। मम्मी अभी बहुत बिजी है काम करने में, एक्चुअली घर में इतना काम है, घर की मैरिज है तो सो फिर इतना बिजी है कि काम कर रहे हैं, सजावट वाली चीज़ें देख रहे हैं, कहीं कुछ कमी ना रह जाए शादी में। अब ये सब तो देखना पड़ता है, शादी वाला घर है ना, तो मम्मी बहुत बिजी है अभी। मम्मी क्या सारे फैमिली ही बिजी है मेरे काम करने में, बस लगता है मुझे मैं ही फ्री हूँ शायद, बट थोड़ा
थोड़ी देर में ना मुझे भी काम पे डाल लेंगे और पूरा पूरा काम कराएंगे। चलिए फिर। गाइज अभी हम हल्दी की तैयारी कर रहे हैं। एक्चुअली हमारे जो कल्चर है उसमें हल्दी मेहंदी वगैरह नहीं होती है, बट मॉडर्न ज़माने में हर कोई करता है तो हम भी कर रहे हैं। तो अब बस हल्दी की तैयारी हो रही है और कज़न सिस्टर को हल्दी लगने वाली है। अभी उसकी थोड़ी सी फ़ोटोशूट चल रही है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ किस तरीके से फ़ोटोशूट चल रही है। और देखो गाइज, तो ये है हमारी दुल्हनिया, इनकी अभी फ़ोटोशूट चली है। बहुत ही प्रिटी, खूबसूरत। और इनके फोटोग्राफर है हमारी ही बहन मिस निरूपा वज़ीर। वैसे हमारी दुल्हन का नाम है मिस अनुराधा वज़ीर। मिस नहीं, अब ये मिसेज होने वाली है। तो इनके फोटोग्राफर, और ये आ रहे हैं मेरी सिस्टर दूसरी मिसेज राधिका। अरे ये रितिशा, देखो इधर बेटी, देखो इधर। हाँ, और ये है आसमा। आसमा हेलो करो, चलो हेलो करो। हाँ जाओ, आप भी जाओ, चलो मासी के साथ फोटो क्लिक करो। गाइस, तो आप मिलिए मेरी दुल्हनिया से। और ये है मिस अनुराधा वज़ीर। और कैसा लग रहा है बताओ? बहुत अच्छा। ऑब्वियसली शादी है तो अच्छा ही लगेगा, है ना? बहुत अच्छी फीलिंग है। चलो बहुत अच्छी बात है। और जीजू का इंतजार है? चलो अच्छा है, चलो फिर मिलेंगे हम। चलो ओके। गाइज, इतना काम है कि अभी जाके टाइम मिला मुझे नहाने के लिए, वरना तो शादी की वजह से इतना काम है, आपको क्या बताऊँ मैं, काम ही काम है। गाइज, इसे हमारी बोली में अरबो बोलते हैं। इसका मतलब है कि इसमें हाथ धुलाते हैं, जैसे कि हमारे हिमाचल में खाना बैठ के ही खाते हैं चौकड़ी मार के, तो उस वक्त उन्हें मेहमानों को उठने नहीं दिया जाता, उनके सामने ये रख देते हैं और हाथ इसी में ही धुलाते हैं, तो इसे अरबो कहते हैं। ये हमारे कल्चर का एक पार्ट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। गाइस, जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया वो तो हमारा किचन था। तो आइए आपको मैं मेन जहाँ सारे परिवार बैठते हैं पांठंग उसे बोलते हैं, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमारा पांठंग होता है, ठीक है? तो हमारा जो पांठंग है वो कुछ इस तरीके से होता है। ये हमारा फायर प्लेस है, सर्दियों में यहाँ पे आग जलाते हैं और पूरे परिवार बैठते हैं, आग सेकते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, गप्पे मारते हैं। जब हम छोटे थे तो मम्मी हमें कहानियाँ सुनाते थे
तो वो सब कुछ यहाँ होता है गाइज़। ये जो पंठंग है आपको किन्नौर में सबके घरों में मिलेगा, सबके घरों में मिलेगा, क्योंकि यहाँ इतनी ठंड पड़ती है, तो मतलब ये फायरप्लेस होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसका होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए आपको किन्नौर में, आप जितने भी घर हैं, मतलब किसी भी घर में जाइए, छोटे से छोटा चाहे बड़े से बड़ा, आपको सब घर में ये फायरप्लेस देखने को मिलेगा। ये दो ढोल है, हाँ जी, ये कांसाल है, ये हमारे टुनपुनू हैं, अच्छा, ये दो हमारे शहनाई हैं, अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हम सापनी तहसील संगला, अच्छा, हाँ जी। तो ये आप लोगों का क्या है बैंड? हमारा पीरी क्लब सापनी के नाम से क्लब बना हुआ है हमारा, अच्छा, हाँ जी। तो आप लोग जैसे शादी वगैरह में जाते हैं? जाते हैं जी हम, अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा है। आपने अपना नाम नहीं बताया, क्या नाम है? मैं चिकमराम सोनी। ठीक है, और ये आपके साथ आपके फ्रेंड्स? ये हमारे सब, मेरे ये भाई है मेरे कोष अध्यक्ष, अच्छा, केवल राम, ठीक है, सचिव है, हाँ जी, हाँ जी, बाकी ये अध्यक्ष है, अच्छा, मतलब मेंबर्स है, अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ओके, आपको बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हे गाइस, आज का जो प्रोग्राम है हमारा, हल्दी तो हो गई है और मेहंदी अभी चल रही है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, और बाकी आज रात को मामागन स्वागत हमारे कल्चर में होता है कि हम शादी से एक दिन पहले अपने जो मामा हैं उनका स्वागत करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो वो सब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। फ़िलहाल आप देखिए कि हमारा घर कैसा लग रहा है। जो कि अपने भाइयों के, अपने मायके वालों की स्वागत करने के लिए तैयार हो गई हैं, पूरी किन्नौरी अटायर में, पूरी हमारा जो कल्चरल ड्रेस है ये पहना हुआ है इन्होंने। टू ब्यूटीफुल लेडीज गाइस, काफ़ी शोर है जैसे कि आप लोगों को सुनाई दे रहा है, और बस पहुंचने वाले हैं, घर से थोड़ी सी दूरी पे है अपने मामा एंड ऑल सब लोग आ रहे हैं, तो चलिए मिलते हैं उन सब से।
से मिलाती हूँ। ये मेरे भाभी हैं।